हमारे चैनल लर्निंग जंक्शन से हमेशा अप टू डेट रहने के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से इस घंटे को जरूर दबा लें ताकि हमारा कोई भी वीडियो आप मिस न कर सके। हेलो वेलकम, मैं हूं इमरान और आप सबका हमारे लर्निंग जंक्शन चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक्चुअली कुछ व्यूअर ने रिक्वेस्ट किया था कि विंडोज़ 10 को, मतलब क्रिएटर अपडेट, विंडोज़ 10 में जो क्रिएटर अपडेट आया हुआ है उसको हम कैसे क्लीन इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब हमारे पास अगर विंडोज़ क्रिएटर अपडेट का अगर यूएसबी में हम आईओसो फाइल को अगर हम बूटेबल बना लिए हैं पेन ड्राइव में, यूएसबी में, तो उससे हम किस तरह से अपने विंडोज़ 10 क्रिएटर अपडेट को कैसे इंस्टॉल करेंगे, क्लीन इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे किस तरह से आप क्रिएटर अपडेट को अपने सिस्टम में क्लीन इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब फॉर्मेट कर सकते हैं क्रिएटर अपडेट के थ्रू। एक्चुअली ये विंडोज़ 10 का मैं नहीं बता रहा हूँ, ये विंडोज़ 10 का क्रिएटर अपडेट के बारे में बता रहा हूँ। तो इस बात को आप ध्यान रखें कि ये विंडोज़ 10 का क्रिएटर अपडेट का फॉर्मेट है, मतलब क्लीन इंस्टॉल है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा क्योंकि इसमें कुछ सेटिंग्स अलग हैं। मतलब अगर आप विंडोज़ 10 को फॉर्मेट करते होंगे, इंस्टॉल करते होंगे, तो आपको सेटिंग में, मतलब इंस्टॉल करने के दौरान कुछ अलग ही विंडोज़ दिखता होगा, कुछ अलग ही सेटिंग दिखता होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग दिखेगा। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि हो सकता है कि आपके पास विंडोज़ का क्रिएटर अपडेट ना हो, आप नॉर्मल विंडोज़ 10 इंस्टॉल कर रहे हो और आपके विंडोज़ 10 में ये सारी फंक्शन और ये सारी जो भी मेनू आएंगी वो ना आए। तो आप कंफ्यूज ना हो क्योंकि ये विंडोज़ 10 का क्रिएटर अपडेट का यूएसबी है, मतलब क्रिएटर अपडेट का आईएसओ को बनाने के बाद से मैं यूएसबी में बूटेबल यूएसबी बनाया हूँ। तो चलिए हम देख लेते हैं कि किस तरह से आप क्लीन इंस्टॉल करेंगे विंडोज़ 10 के क्रिएटर अपडेट को। अगर आपके पास अभी तक क्रिएटर अपडेट नहीं आया है तो उम्मीद है कि जल्दी आपके पास क्रिएटर अपडेट आ जाएगा और क्रिएटर अपडेट आने के बाद से आप उसको आईएसओ में कन्वर्ट कर लेंगे और अब बूटेबल बना के आप जब भी चाहें आप उसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए हम देख लेते हैं कि किस तरह से आप इसे इंस्टॉल करेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि किस तरह से हम अपने विंडोज़ 10 क्रिएटर अपडेट को क्लीन इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए देखिए हमारे पास एक यूएसबी है सोनी का 16 GB। मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि मिनिमम 8 GB का यूएसबी यूज करें। तो मैं इसको बूटेबल बना चुका हूं और इसमें क्रिएटर अपडेट का जो iOS फाइल है उससे मैं बूटेबल हो चुका है ये। तो चलिए अब इसको हम इंसर्ट करते हैं अपने लैपटॉप में, उसके बाद से हम इसे कैसे हम इंस्टॉल करेंगे क्लीन फॉर्मेट करने के बाद। तो ये उसकी फाइल है, आप देख सकते हैं कि जो बूटेबल बनाने के बाद से फोल्डर हम ओपन किए थे उसमें दिख रहा है। तो चलिए अब हम अपने पीसी को रीस्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ से हम रीस्टार्ट एनीवे करते हैं और अभी रीस्टार्ट होने के बाद से आप लिनोवो में F12 प्रेस करेंगे। तो F12 प्रेस करने के बाद से यहाँ से आप सोनी का जो पेन ड्राइव है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, उसको लेंगे। उसके बाद से ऐसा जब स्क्रीन आए तो आप अपने कीबोर्ड से कोई भी बटन प्रेस करेंगे। वैसे आपको F12 या F10 या इसके बटन प्रेस करने के बाद से आप अपने बूटेबल डिवाइस में आ सकते हैं, मतलब बूटेबल पेन ड्राइव को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर चुका हूँ और ये थोड़ा सा प्रोसेस हो रहा है, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। अभी देखिए यहाँ पर सेटिंग विजार्ड आ गया, तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिए। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा तो ज़्यादा बेटर है। जो लैंग्वेज है, डेट एंड टाइम, मतलब ये सारी चीज़ें को डिफ़ॉल्ट रहने दें, उसके बाद से आप नेक्स्ट कर दें। उसके बाद से इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करना होगा आपको और उसके बाद से थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। सेटअप स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद से आपके पास अगर की है तो आप की दे देंगे, नहीं है तो आप स्किप कर देंगे। तो चलिए हम इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि हमारे पास अभी की नहीं है।
स्किप करने के बाद से आपको यहाँ पर जो भी वर्सन इंस्टॉल करना होगा तो उस पर सेलेक्ट करने के बाद से आप नेक्स्ट करेंगे। तो एक्चुअली मेरे पास बहुत सारा यहाँ पर वर्सन शो कर रहा है, हो सकता है आप में ना करें, या आप में करें तो फिर आप क्लिक करके आप नेक्स्ट कर सकते हैं। चलिए अभी नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट करने के बाद से यहाँ से आप एक्सेप्ट करेंगे और फिर नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद से आप नीचे कस्टमाइज़ पर क्लिक करेंगे, कस्टम पे, और उसके बाद से अगर आपको इसमें कुछ भी चेंजेस करने होंगे तो आप कर सकते हैं। कोई भी ड्राइव को डिलीट करना हो, पार्टीशन करना हो, या फिर अगर आपको मर्ज करना हो, कुछ भी जो भी आपको करना होगा इस मतलब ड्राइव्स में, तो वो सब आप अपने हिसाब से सेटअप कर लेंगे। सब यहाँ पर जो भी आपका ड्राइव्स होगा यहाँ मतलब पीसी में, वो सब यहाँ पर शो करेगा। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर जो भी करना होगा आप सेटअप करने के बाद से आप नेक्स्ट करेंगे। और सी ड्राइव को सेलेक्ट करने के बाद से तो आपका इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर अपने हिसाब से सबको सेट करने के बाद से नेक्स्ट कर देता हूँ। तो अभी देखिए ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। आप देख सकते हैं कि पहला नंबर पे अब एक टिक हो गया है। ऐसे ही सब पर टिक होने के बाद से ये ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है। आपके पीसी की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, तो आप थोड़ा सा वेट करें। इसमें कितनी भी स्पीड होती है पीसी की, फिर भी थोड़ी सी टाइम लगती ही है। तो देखिए अभी इंस्टॉल हो गया और उसके बाद से ये पीसी ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो गया। तो मैं यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड कर दिया हूँ, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दिया हूँ वीडियो को, ताकि आपके टाइम बच सके। तो देखिए ये कई बार रीस्टार्ट होगा आपका पीसी, तो उसके आप टेंशन ना लें, थोड़ा सा आप इंतज़ार करें जब तक ये कम्प्लीट नहीं हो जाता। अभी देखिए कोर्टाना सामने आ गया, मतलब कि ये क्रिएटर अपडेट में ये फंक्शन आता है, बाकी में नहीं आएगा आप नॉर्मल विंडोज 10 इंस्टॉल करेंगे तो। तो यहाँ पर कोर्टाना क्या करता है, कोर्टाना आपको बोल के बताता है कि ये ऐसे ऐसे करना है, और आपको सिर्फ यस नो स्किप ये सब आपको कमांड देने पड़ते हैं अपने वॉयस में। वो रिकॉग्नाइज करने के बाद से आपके स्टेप को फॉलो कर लेता है। तो देखिए सब होने के बाद से ये ऑटोमेटिक आपका विंडोज़ को स्टार्ट कर देगा। तो देखिए अभी आपसे कोर्टाना बोल के पूछेगा कि आपका लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, क्या करना है, आप यस नो आप करते जाएंगे, ये आपके कमांड के ऊपर ये काम करते जाएगा। तो चलिए हम थोड़ा सा सेटअप कर लेते हैं। अभी देखिए कीबोर्ड को सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपको सेट करना पड़ेगा सेकेंडरी कीबोर्ड के लिए। आपको दूसरा अगर कीबोर्ड और दूसरा लैंग्वेज में चाहते हैं तो। उसके बाद से आपको वाईफाई कनेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो हम वाईफाई को छोड़ देते हैं, बाद में कनेक्ट करेंगे, स्किप कर देते हैं और थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। यहाँ पर आपके पीसी का नाम देना होगा कि आप क्या नाम देना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से जो भी नाम सेट करना चाहते हैं अपने पीसी का वो सेट कर सकते हैं। अगर आप ईमेल आईडी देंगे तो फिर ये आपका ईमेल आईडी का जो नाम होगा वो ले लेगा। अभी यहाँ पर आपको पासवर्ड देना पड़ेगा, ऐसा पासवर्ड दें जो याद रहे आपको। अब नेक्स्ट करें, फिर यहाँ पर आप पासवर्ड अपना कंफर्म कर दें, और उसके बाद से अपने पासवर्ड का कोई हिंट दे दें ताकि आपको भूल जाए तो इस हिंट्स को देख कर आपको याद आ जाएगा। उसके बाद से ये सब फाइनल हो गया है। अब आपका जो चाहता है, सॉरी, अगर आप चाहते हैं कि आपका कोर्टाना पर्सनल असिस्टेंट रहे तो आप यस कर देंगे, और बाकी सारी सेटिंग को वैसी रहने देंगे और फिनिश कर देंगे। ये लास्ट स्टेप है और आपका जो पीसी है वो स्टार्ट होने के लिए रेडी है। तो बस थोड़ा सा और टाइम आप दें, उसके बाद से आप देखेंगे कि आपका पीसी स्टार्ट हो गया। देखिए अभी हाई लिख के आया, और यहाँ पर कुछ टाइम लग सकता है, मतलब कि थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा कि थोड़ा सा वहाँ पर आपको वेट करने के लिए बोल रहा है। अभी देखिए लेट्स स्टार्ट, एंड आपका पीसी स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होने के बाद से आप देख सकते हैं कि इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से है, और यहाँ पर कोई आइकन शो नहीं कर रहा था। आइकन शो करने के लिए अपने पीसी में राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज में जाएंगे, और उसके बाद से थीम में आने के बाद से आप राइट साइड में आप देख पा रहे होंगे कि वहाँ पर आइकन लिख के आ रहा है। वहाँ पर क्लिक करने के बाद से आप अपना आइकन को सारे ला सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप विंडोज 10 को क्रिएटर अपडेट जो है उसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे। बहुत ही आसान था, थोड़ा सा सेटिंग चेंज थी, थोड़ी सी फंक्शन चेंज थी। यहाँ पर कोर्टाना जो है वो
बोल रहा था लेकिन विंडोज 10 के नॉर्मल में बोलता नहीं है, ये क्रिएटर अपडेट में सिर्फ आपको बोल के बता रहा है क्या करना है। और अगर आप बोलते हैं येस एंड नो स्कीप तो वो सारे आपके साउंड को रिकॉग्नाइज करने के बाद से आपके स्टेप को फॉलो कर लेगा। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस तरह आप हमारे साथ बने रहें। हम जल्दी मिलेंगे एक दूसरे वीडियो के साथ। लेकिन जाते जाते मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे गिवअवे का, जिसमें 3 विनर होंगे और तीनों विनर को एक एक हेडसेट दिया जाएगा रीमैक्स का 100H मॉडल नंबर। तो अगर आप जीतना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आप डिस्क्रिप्शन में जाए लिंक पर क्लिक करके आप स्टेप को फॉलो करें और इस गिवअवे में पार्टिसिपेट कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं इस तरह के दूसरे वीडियो में।